उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर शनिवार दोपहर को भाजपा विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई। ये बैठक 3 बजे से केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। राफेल डील पर फ्रांस में जांच शुरू हो गई। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी। फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएनएफ ने कहा कि डील में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोप की भी जांच की जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रीलिमिनरी एलिजिबल टेस्ट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को कराने का फैसला। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती और चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में UPSSC के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव का तलाक हुआ। इस बात की जानकारी आमिर और किरण ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए दी। इससे पहले आमिर ने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को साल 2002 में दिया था तलाक। देश में शुक्रवार को कोरोना के 43,640 नए मरीजों की पहचान। 56,643 लोग ठीक, 722 की मौत। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,034 की कमी। अब एक्टिव केस का आंकड़ा 5,00,000 से भी कम। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल का फाइनल डेटा जारी किया। ये कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% असरदार साबित हुई। डेल्टा वेरियंट के खिलाफ कोवैक्सीन की इफिकेसी 65% बताई जा रही है। दुनिया के लिए खतरनाक माने जा रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। कोरोना का ये रूप एशिया में तेजी से फैल रहा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया में संक्रमण के मामलों में अचानक इजाफा होने से सख्ती बढ़ गई। टीका ही जान बचाने का आसान तरीका। रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो रेट को पिछले साल 1 साल से जस का तस रखा है, लेकिन ग्राहकों को मिलने वाले नए लोन कम ब्याज दरों पर भी मिल रही है। इस समय नए लोन की औसत ब्याज दरें पुराने लोन की औसत दरों से 1.30% कम। इसमें अकेले 30 बेसिस पॉइंट की कमी मई के दौरान दर्ज की गई। IPL फेज 2 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के अहम खिलाड़ी स्टीव स्मिथ चोट की वजह से लीग के बाकी बचे 31 मैच छोड़ने का फैसला किए। जानकारी के मुताबिक स्मिथ कोहनी की चोट से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के बिजी शेड्यूल को देखते हुए उन्होंने रिस्क नहीं लेने का फैसला लिया। सोना आज अपनी उच्चतम कीमत से 9,000 रुपये सस्ता। इस हफ्ते सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अगस्त के सोने के 10 ग्राम के भाव में 137 रुपये की तेजी। आज सोना 0.3% बढ़कर 47,188 रुपये पर पहुंचा।